घूम भांगे तुम्हारो स्थितिर आशा आज देखते पाबो कि तुम्हारे आमी एक टुकानी झालोग दाखा लेकी हर इच्छार पुरने जित करी आमी मन। हेलो बंधुरा, आमी तोमादेर बंधु अंकिता आर आमार अनुभूतिर अंकिता चैनले तोमादेर आबार अनेक स्वागत। तो बंधुरा, भिडियोर पार्ट वाने आमी तोमादेर साथे शेयर करे फेलेछि अलरेडी जे आमरा किभाबे दार्जिलिंग पौंछालाम आर कत कम खरचे आमरा दार्जिलिंग पौंछे गेलाम। तो तोमरा जदि ना देखे थाको ताहले भिडियोर पार्ट वानटा आगे तोमरा देखे एसो। तो आजकेर भिडियोर पार्ट टू निये हाजिर हये गेछि तोमादेर सामने। तो पार्ट टू ते आमी भिडियोते तोमादेर जन्य एई भिडियोटाई निये एसेछि जे दार्जिलिंग पौंछे तोमरा कोथाय थाकते पारो आर कम खरचेर मध्ये कोथाय काछाकाछिर मध्ये थाकते पारो एबं सम्पूर्ण डिटेल्स तथ्य ओनारे नाम ओनारे फोन नम्बर बुकिंग डिटेल्स समस्त किछु निये हाजिर हये गेछि पार्ट टू भिडियोते। तो चलो बंधुरा देखे नी आजकेर भिडियोटा केमन लागछे तोमादेर, अवश्यई कमेंटे किन्तु जानियो। तो बंधुरा एई होच्छे आमादेर चार दिनेर थाकार जायगा हैपी भ्याली होमस्टे। चकबाजार थेके मात्र 4-5 मिनिटेर पाये हाँटा डिस्टेंसे एई होमस्टे। तो फाइनली आमरा पहुंचे गेलाम एबं आमादेर 11টায় चेक इन टाइम छिलो आर आमादेर आस्ते आस्ते प्राय 11টায় হয়ে গিয়েছিল। तो असुविधा হয়নি। तो मानुष नीचे पेपर वार्क सब समस्त कमप्लीट कर फेलो। तो चलो एबार उपरे जावा जाक। तो चाबी निये उपरे आस्ते देखलाम रूमटा खोलाई आछे। तो बंधुरा एखाने एकटा किंग साइज बेड देखते पाच्छि, दुटो बालिश आछे, दुटो टावल आछे, साबान शैम्पू देवा आछे, दुदिके दुटो वार्डरोब आछे आर एखाने एकटा बड़ो मिरर आछे देखते पाच्छि। आर एई देखो जलेर बोतल देखते पाच्छो, एटा एइमात्र ओनार दिये गेलो, एइमात्र शेष हये गेलो, आबार चाइते पारो तोमरा, ओनारा आबार दिये देबेन। शुधु कापड़ काचार जोन्नो जल अलाउ करेन ना ओनारा, किन्तु बाकी खाबार दावार जोन्नो ठिकई आछे। आर एइदिके रयेछे बाँ साइडे आछे बाथरूम, दुदिके दुटो वार्डरोब देवा आछे, एखाने दुटो ड्रयार सिस्टेम करा आछे, आर एखाने एकटा आछे टेबिल टाइप टेबिल चेयार आछे, एखाने एकटा उइन्डो आछे साइडे। तो मोटामुटि ठिकई आछे, एमनितेई तो बाइरे सारा दिन घुरते घुरते केटे जाबे, रात्रे तो शुधु शोवार जोन्नोई दरकार रूमटा। तो ये बाहरे हे एक बड़ो बेलकनी आज है, बेलकनीटा एत सुंदर बंधुरा, बेलकनीटार जो ही होमस्टे पसंद हो। तो एक बार जस्ट देखो बंधुरा बेलकनीटा, तुम्हारा जस्ट बसे एखानकार वेदारटा एत सुंदर हावा दिच्छे, अथच रोदो आसछे, कारण ओपर छादटा हच्छे माने ह्वाइट सीट जेगुलो जेटा पुरो आकाशटा देखा जाच्छे, खूब खूब भालो लागछे। और दूरे देखते पाच्छो पहाड़ेर भिउटा जस्ट असम लागछे, सामनेर बाड़ीटा ना थाकले भिउटा आरो असम होतो, किन्तु जाइ होक आर कि भिउटा एकटु गाढ़ हये जाच्छे, किन्तु तबुओ माझखानेर जे भिउटा पुरोपुरी देखा जाच्छे। तो ये एखान जैगा अनेकटा बड़ो, अनेकटा बड़ो, एखे बस तुम्हारा चा खेते पर ब्रेकफास्ट करते पर अनेकटा जैगा तुम्हारा रिल्स बनाते पर जेटा एखनकार दिन सब मानुष प्रेफार करे। तो खूब ही भलो लगे बंधुरा। और ये देखते गाड़ीगुलो जाखान हाँटा पथे जस्ट 3-4 मिनट गेले ही चकबाजार। तो बंधुरा प्रथमवार तो होमस्टे थाकार अभिज्ञता एटे, तो एतदिन पर्यन्त तो होटेल्स ही थेके एसेछि। तो केमन लागलो, किछु पजिटिव दिको आछे आर किछु नेगेटिवो लेगेछे, तो सेटा तोमादेर साथे आमी लास्टे शेयार करबो, तोमरा भिडियोटा पुरोटा देखो किन्तु। तो चलो बंधुरा बाथरूमटा एबार शेयार करे नि तोमादेर साथे। तो बाथरूमटा देखे तो बेश परिष्कार परिच्छन्नई मने होच्छे, एखाने एकटा गीजार बसानो आछे आर कुमोरटाओ बेश परिष्कार परिच्छन्न, एखाने सावारो देवा आछे, बालति देवा आछे, एकटा टुल देवा आछे। तो मोटामुटी ठिकई आछे एदिकटा। आर एखाने लेखा आछे कापड़ काचार जोन्नो एकदम माना करा आछे, कारण एखाने जलेर खूब कष्ट ताई जोन्नो। आर एखाने एकटा बड़ो आयना देवा आछे। तो बाथरूम मोटामुटी ठिकई आछे, परिष्कार-परिच्छन्नई आछे, कारण बाथरूम परिष्कार-परिच्छन्न ना होले किन्तु एकदम ही मुड खराब हये जाय बंधुरा। तो आमी सबार आगे गिये बाथरूमटाई देखी जे परिष्कार-परिच्छन्न किना। तो चार दिन मध्य दो दिन ब्रेकफास्ट एखे खावा हो, बाकी दिन घूरते गए बाहर ही खे नहीं। तो दो दिन मध्य देवा सैंडविच देवा 3 पिस कर और दोटो डिम सिद्ध देवा दूजर जो और एस पर चा ए फ्रूट्स फ्रूट्सर मध्य छो आपल और कला। और सेकेंड दिन देवा 2 पिस कर ब्रेड, एक बाटार और एक तुम्हार डिमेर अमलेट संगे एस फ्रूट्स और एक पिस कर कला। तो ये दो दिन ब्रेकफास्ट और अवश्य चा क्यों इनक्लूडेड। तो दुदिन ब्रेकफास्ट माथा पिछु 100 रुपीज कर नेवा, जेटा रूम भाड़ा छिलो रेट तार साथे 100 रुपीज कर ब्रेकफास्टर दरम नेवा। हेलो बंधुरा, तो आमरा जे रूमटा पेयेछिलाम भाइया आर एकटा रूम आजके देखाच्छे तोमादेर साथे सेटा शेयार करते चले एसेछि। तो एटा एकटु कस्टलि किन्तु आमरा एटा पाइनि, एखानकार व्यवस्था खूबी भालो, भाइयार माने बिहेवियार खूबी भालो। तो तोमादेर साथे एटा एखन फाँका पेलाम बोले शेयार करे दिच्छि, तोमरा जदि एई रूमटाओ निते चाओ तोमादेर खूब पसंद होबे। तो चलो रूमटा केमन कि रकम रेट अफ सीजन अन सीजन सेटा भाइयार मुख थेके तोमरा शुने नाओ पुरोटा। तो चलो देखते थाको।
ये है हमारा भैया, इस पूरा कॉटेज का मालिक है ओनर। तो ये है सुपर डिलक्स रूम, आप भैया से सुनिए। ये हमारा सुपर डिलक्स। भाई आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुब्रत तामंग है। हाँ, मैं ये होम स्टे का ओनर हूँ। अच्छा। और ये हमारा हैप्पी वैली होम स्टे है। ये जैसे हैप्पी वैली के पास में है, इसलिए इसका नाम हैप्पी वैली होम स्टे है। जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। चौक बाजार से कैसे आएंगे भैया? चौक बाजार से आपको जैसे शेयरिंग गाड़ी भी मिलेगा 15 रुपीज में इधर आने के लिए, और वॉकिंग आएगा तो 10 मिनट्स इजी वॉक, एकदम स्ट्रेट इजी वॉक आप पहुंच जाएगा इधर। और बैक से जाएगा तो मेल रोड भी आप जा सकते हैं वॉकिंग करके, जाए तो 15 मिनट्स लगेगा। सॉर्टबरी पार्क सब आसपास में है इधर। इस कॉटेज में कितना रूम है भैया? हमारा ओनली 6 रूम्स है। अच्छा। ओनली 6 रूम्स है और 3 डिलक्स रूम्स है। जैसे हमारा 3 डिलक्स रूम्स है और 2 इकोनॉमिक स्टैंडर्ड रूम है। वही ऑफ सीजन ऑन सीजन कैसा प्राइस है इसका? ऑफ सीजन में जैसे हम लोग जून जुलाई अगस्त, जैसे मिड ऑफ जून से शुरू होता है अगस्त तक होता है, फिर सितंबर से फिर सीजन शुरू होता है। सो जून जुलाई अगस्त में थोड़ा कम होता है, पर हमारा इतना जैसे पूरा नीचे कम नहीं होता है। अच्छा। सीजन में भी वही थोड़ा सा वैसा होता है, डिपेंड करता है कैसे ग्रुप होता है उसी हिसाब से हम वो करता है प्राइस करता है। पर ये हमारा सुपर डिलक्स और ब्रेकफास्ट लंच इसका कैसा सुविधा है आप बोलिए? ब्रेकफास्ट जैसे ब्रेकफास्ट तो डिलक्स रूम और स्टैंडर्ड रूम में तो इंक्लूडेड है, या इकोनॉमिक रूम में इंक्लूडेड नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट लेगा तो 120 रुपीज लगेगा आपको। डिनर भी आप ले सकता है, डिनर का पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकता है इधर, वो भी फैसिलिटीज है। पर हमारे घर में खाना है तो घर का खाना है तो पहले से आप बताना चाहिए, डिनर खाएगा तो पहले 4 बजे 3 बजे बंद बताना चाहिए क्या खाएगा, आप उसी हिसाब से हम बना देगा खाना। अच्छा। भैया आप रूम थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये हमारा सुपर डिलक्स रूम है। ये हमारा होम स्टे का सबसे बड़ा रूम है। अच्छा। और इस साइड में हमारा किंग साइज बेड है, इधर सिंगल बेड है, और ये सोफा बेड है। कितने मेंबर रह पाएंगे यहाँ पर? 4 मेंबर्स है तो 4 मेंबर्स रहेगा तो 3500 है विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है इसमें। अच्छा। और 2 पर्सन रहेगा तो 2500 है। अच्छा। और 3 पर्सन रहेगा तो 2900 है। अच्छा। उसमें सब ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अच्छा, एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, ये देखिए एकदम व्यू मिल जाएगा सामने, एकदम पूरा पहाड़ का नजारा है। अभी बहुत ज्यादा क्लाउड है इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। और यहाँ से एकदम ये लेफ्ट साइड में चौक बाजार है, यहाँ से 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस में ये हैप्पी वैली होम स्टे है। अच्छा, यहाँ एक सुंदर एक मिरर दिया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि लड़की लोग का तो ये जरूर चाहिए होता है। ये है बाथरूम, बाथरूम बहुत सुंदर है, एक बार देखिए एकदम क्लीन एंड क्लियर पूरा एकदम। गीजर है यहाँ पर और बाथरूम है, शावर है, यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, मिरर है बहुत, और सफिशियंट लाइट है। यहाँ पर एक हैंगर भी है, बहुत बहुत बाथरूम मुझे बहुत पसंद है। और यह है पूरा रूम, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बगल में 2 सेल्फ है, देखिए टीवी है यहाँ पर, और यहाँ पर आराम से सो पाएंगे, और एक अगर आप 3 लोग भी आते हैं तो बहुत अच्छे से सो पाएंगे यहाँ पर। ये दरवाजा किसका है भैया? तो हमारा वो है बेलकुनी। बेलकुनी है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा बेलकुनी भी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा रूम व्यू, आपको तो दिखाई दिया, और आप मेंबर से भी मिल लीजिए। ये है छोटा मेंबर, बहुत प्यारा है बहुत, क्योंकि ये किसी को काटते नहीं है, सबसे फ्रेंडली होते हैं। तो आप अगर रहना चाहेंगे तो निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि भैया का नेचर, भैया का फैमिली का नेचर बहुत प्यारा है, और आपको एकदम बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप होटल में या रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, एकदम होम जैसा बिहेवियर मिलेगा आपको। भैया अगर कोई मेरे चैनल के नाम से आए तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट उनको जरूर दीजिएगा। ओके, जरूर। क्योंकि कोई देखे अगर कि इससे मालूम चला है इससे, तो थोड़ा सा आप उनको मेरे तरफ से डिस्काउंट थोड़ा सा जरूर दीजिएगा। ठीक है, और एक रूम है भैया ने बोला, और एक रूम है तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देखते रहिए पूरा वीडियो। अच्छा, ये है दूसरा रूम दोस्तों। इस रूम का क्या है भैया? डिलक्स, ये भी डिलक्स रूम है हमारा। अच्छा। और इसमें आपको एक किंग साइज बेड मिलेगा और एक सोफा बेड मिलेगा। अच्छा। जैसे आपको 3 पर्सन आना है तो आपको 2500 विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होगा, 2 पर्सन के लिए आपको 2200 विद ब्रेकफास्ट होगा। अच्छा, एक बार आपको रूम दिखा देती हूँ। ये देखिए किंग साइज बेड है यहाँ पर, मिरर है इधर, ये देखिए मिरर है यहाँ पर,
एक टीवी है, यहाँ भी व्यू बहुत बढ़िया है जैसे पहले आपको दिखाया, सब विंडो से व्यू बहुत बढ़िया है। इसके पीछे पहाड़ है पर अभी क्लाउड की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर एक हैंगर है, कपड़ा रख सकता है। और इसका भी बाथरूम बहुत बढ़िया है, गीजर है यहाँ पर। एक मिरर है यहाँ पर। चलिए तो रूम व्यू आपने तो देख लिया और प्राइस सब कुछ तो भैया से सुन ही लिया है आप लोग। तो मेरा काम था आप लोगों से शेयर करना क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, और मैल से थोड़ा सा दूर मतलब 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर है, पर इसके पीछे जो रास्ता है पूरा मैल तक जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा इसलिए आपसे रिव्यू मैं शेयर किया। आप पूरा आपके डिसीजन है। तो सर का मोबाइल नंबर, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सर का नंबर, एड्रेस और लोकेशन शेयर कर दूंगी, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरा रूम का तो आपको व्यू पहले ही दे चुका हूँ, तो ये 3 यहाँ पर टाइप का रूम है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय। তো বন্ধুরা, ঘুরতে গিয়ে হোমস্টেতে থাকার এটা আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। তো ভালো মন্দ মিশিয়েই অভিজ্ঞতা সবসময় তৈরি হয়ে থাকে, আর সেইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে এলাম। তো ভালোর পরিমাণটা এখানে অনেকটাই বেশি, তার কারণ হচ্ছে ওনারের বিহেভিয়ার, তার ফ্যামিলির বিহেভিয়ার খুবই ভালো, মানে খুবই ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার, নিজের ঘরোয়ার মতোই ফিল হবে, একদম মনে হবে তুমি তোমার নিজের ঘরেই আছো। তো এটা একটা বিশাল মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার, কারণ বাইরে ঘুরতে গিয়ে যদি একটা মানে ঘরোয়া ফিল হয় তো এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এই লোকেশনটা খুব সুন্দর জায়গায়, রোডের ওপরেই শেয়ার গাড়ি পেতে খুব কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছিল না, এবং 10 থেকে 12 মিনিটের ডিস্টেন্সে অনেক কটা ঘোরার জায়গা আছে, যেমন দার্জিলিং জু গার্ডেন, খুব সুন্দর একটা নাইট অ্যাঙ্গেল পার্ক, আরও এক্সেট্রা অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমি তোমাদের এখন আর বলতে পারছি না, 3টা মেন জায়গা বললাম। তো সত্যি দেখতে গেলে লোকেশনটা খুবই ভালো জায়গায়, আর ভেতর দিয়ে হাঁটা পথ দিয়ে গেলে সেই 10 মিনিটের ডিস্টেন্সেই ম্যাল, সব কিছু মোটামুটি 7 থেকে 10 মিনিটের ডিস্টেন্সেই তোমরা পেয়ে যাবে। তো এইগুলো ভালোর দিকে তো অনেক কটাই ছুঁয়ে গেল। এবার আমি বলি তোমাদের যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে পার্সোনালি ভালোর মধ্যে, একটা বিশাল বড় ব্যালকনি ছিল যেটা আমার খুব খুব ভালো লেগেছে। নর্মালি হোটেলসে অতটা ব্যালকনি পাওয়া যায় না, হয়তো ছোটোর মধ্যে একটা থাকে, কিন্তু এখানে ঢালাও ব্যালকনি, খুব খুব ভালো লাগলো ব্যালকনিটার জন্য, কারণ এখন সবাই রিলস বানাতে ভালোবাসে, এখন সবাই একটু ভিডিও করতে ভালোবাসে, তো অনেকটা স্পেস ছিল ভিডিও করার জন্য বা বসে ফ্যামিলির সাথে টাইম কাটানোর জন্য। তো এইগুলো তো সত্যি খুব ভালো একটা মানে আমাদের লেগেছে আর কি। তো বন্ধুরা, ভালোর কথা তো তোমরা শুনেই নিলে, ঝুড়ি ঝুড়ি ভালো স্মৃতি আছে ওখানে, কিন্তু কিছু সমস্যা যেগুলো পড়েছি সেগুলো তোমাদের সাথে না বললেই নয়, যেন তোমরা সেইগুলোকে ডিল করে পরের বার আরও ভালোভাবে এনজয় করতে পারো ঘোরাটা। যেমন হচ্ছে আমাদের রুমটা 3 তলার ওপরে হওয়ার জন্য বারবার সিঁড়িতে ওঠানামা করতে খুবই প্রবলেম হচ্ছিল, কিন্তু ওখানে যেহেতু লিফটের ব্যবস্থাও নেই আর কোনো পাহাড়ি এলাকায় আছে কিনা আমি বলতেও পারবো না, কিন্তু সিঁড়িগুলো এত খাড়া যে এজেড লোক এদের বা আর্থারাইটিস বা হাঁটুর সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের কিন্তু একটু প্রবলেমে পড়তে হবে তার জন্য, কারণ আমরা ইয়ং এজ হয়েই যদি এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম তাহলে তারা তো ক্লান্ত এমনিতেই হয়ে যাবে। তো এটা একটা আমার মনে হয়েছে বলে দেওয়া দরকার। আর দ্বিতীয় নম্বর যেটা আমার মনে হয়েছে, আমার অনেক বন্ধুরা প্রচুর বেশি ট্র্যাভেল করে, তাই জন্য তাদের মুখ থেকে অভিজ্ঞতা শোনার পর আমার মনে হয়েছে আমাদের হোমস্টেটা একটু কস্টলি, কারণ 1300-1400 টাকায় তারা 4 টাইমস ফুড অ্যাভেলেবেল পেয়ে যায়, ওর মধ্যে ইনক্লুড করা থাকে, এবং খুব সুন্দর সুন্দর মেনু দেওয়া হয় তাদের ব্রেকফাস্টে লাঞ্চে ডিনারে সব কিছুতেই। তো আমাদের এখানে 1600 টাকা করে শুধু ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড ছিল, তো সেই হিসাবে আমার মনে হলো যেন এটা একটু কস্টলি। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হিসাবে মনে হলো যে 1400 বা 1600 যেটাই নিক রুম রেট, সেটা যদি 4 টাইম ফুড ইনক্লুড থাকে তাহলে বোধহয় আরও ভালো মন্দ মিশিয়েই জীবন। তো আমার 90% এখানে ভালোর মধ্যে আছে, এই দুটো জিনিসই আমার জাস্ট একটু মনে হয়েছে, কারণ সবার পকেটের জোর সমান হয় না, কেউ যাই মানে খুব ভালোভাবে এনজয় করতে আর কেউ যাই নিজের পকেট দেখে তারপর এনজয় করতে। তো আমি সবার হয়েই কথাটা বললাম, প্লিজ কেউ কিছু খারাপ মাইন্ডে নেবে না, ওভারঅল কিন্তু খুব ভালো লেগেছে এখানে, তোমরাও পারলে একবার ঘুরে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, পরের দিন আবারও একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাবো তোমাদের সামনে। পরের দিন দার্জিলিং জু নিয়ে আসছি তোমাদের কাছে, এর রিভিউও দেবো তোমাদের কাছে যে আমরা কী কী সমস্যায় পড়েছিলাম এখানে। তো ভিডিও দেখতে থেকো, নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, আর যারা পার্ট 1 এখনও দেখোনি, 140 রুপিজে NJP থেকে কী করে দার্জিলিং পৌঁছবে পুরো ডিটেলস ভিডিও দেওয়া আছে পার্ট 1, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, সবাই ভালো থেকো, টাটা বন্ধুরা।